वेल गाइज, अगर आप प्रीमियर प्रो के अंदर मल्टीपल क्लिप पे काम कर रहे हो और आप किसी एक क्लिप्स का जो इफेक्ट है, जो कलर है, वो आप सारे के सारे क्लिप में अप्लाई करना चाहते हो, तो वो काम आप करते हो दोस्तों कॉपी एंड पेस्ट की तरीके से। यानी आपको कॉपी एट्रीब्यूट एंड पेस्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ता है और वो काम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इसी के लिए दोस्तों हम आज आपको बताएंगे कि आप एडजस्टमेंट लेयर का यूज़ करके ये काम बहुत ही आसानी के साथ आप कैसे कर सकते हो विद इन वन क्लिक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, फिर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो चलिए देखते हैं। तो प्रीमियर प्रो में दोस्तों हमारे पास कुछ कंटेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसको जब भी हम ऐसे डायरेक्ट ड्रॉप करेंगे तो हमारा जो टाइमलाइन है वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। अभी हमें इस क्लिप के अंदर कुछ इफेक्ट डाल के आपको दिखाते हैं। तो नॉर्मली जब भी हम इफेक्ट डालते हैं तो हम आते हैं दोस्तों इफेक्ट में, और यहाँ पे हम कोई भी, जैसे मेरे पे ब्लर है तो ब्लर मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखा था, तो ब्लर वाला इफेक्ट जो है हम यहाँ पे लगाते हैं। अब ब्लर हमारा जो है वो अप्लाइड है, तो यहाँ पे देखिए मैंने ये अप्लाई कर दिया। ओके, सिंपली ब्लर हमारा अप्लाइड है। ओके, सो लेट्स की अभी हमारे पास और सारी क्लिप्स हैं, इन सारी क्लिप्स को हम यहाँ पे टाइमलाइन में ले लेते हैं। टाइमलाइन को थोड़ा सा हम छोटी कर लेंगे, और यहाँ पे मेरे पास एक डॉग का है और मैं इसको भी थोड़ा सा ट्रिम कर लेता हूँ। ओके, और इसको मैं स्केल टू फ्रेम साइज कर लेता हूँ। और इसके बाद अभी क्या है, इन दोनों क्लिप्स में अगर हमें ब्लर अप्लाई करना है, सेम ब्लर अमाउंट जो है वो अप्लाई करना है, तो क्या करेंगे? अब डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे फिर से इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे ब्लर चूज करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे जब भी हम डालेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो चेंज होगी। तो हमें सबसे पहले पीछे वाली क्लिप में आना होगा, हमें वैल्यू देखना होगा कि भाई 46 यहाँ पे मैंने वैल्यू की थी, तो यहाँ पे भी 46 हम अप्लाई करेंगे, तभी तो हमारा बराबर अमाउंट में जो है वो ब्लर अप्लाई होगा सारी क्लिप्स में। ओके, तो ये अभी अप्लाई हो गया, लेकिन ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। अब इसी को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि हम इस पर राइट क्लिक करें, इसको थोड़ा हम एक्सपेंड कर लेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट एट्रीब्यूट का यूज करके हम सेम जो ब्लर हमने अप्लाई किया था अपनी प्रीवियस क्लिप में, उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, जो कि मेरे ख्याल से ये भी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड फैशन है, काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। ओके, सो इन्हीं सब चीज़ को करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, एडजस्टमेंट लेयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट लेयर, देखिए हमने इफेक्ट तो अप्लाई कर लिया था, अब एडजस्टमेंट लेयर का यूज़ कैसे करेंगे? देखिए, अगर आप एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करना नहीं जानते या फिर एडजस्टमेंट लेयर के बारे में नहीं जानते दोस्तों, तो ये बात समझिए कि एडजस्टमेंट लेयर जो होता है वो एक बेसिकली एक लेयर होती है, वो लेयर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, उसमें कुछ नहीं होता, आपको सारी चीज़ें उसमें डालनी होती हैं। ओके, सो यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर को क्रिएट करने के लिए या तो आप नीचे यहाँ पे न्यू आइटम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से आप एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर सकते हैं विद द सेम प्रॉपर्टीज़, ये आपकी और टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ये एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट होगी। सिंपली आपको ओके प्रेस करेंगे, ओके प्रेस करने के बाद जैसे ही आप ऊपर ले आएंगे, ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम ब्लैंक लेयर है, आप ये समझिए एकदम ब्लैंक लेयर है, और इसके अंदर आपको पूरी आज़ादी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, कुछ भी करने के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए हम इफेक्ट अप्लाई कर रहे थे पार्टिकुलर एंड इंडिविजुअल क्लिप में, हम इफेक्ट अप्लाई कर रहे थे, बट यहाँ पे देखिए ये काम कैसे करेगा। सिंपली हम इफेक्ट में गए, ब्लर और गॉशियन ब्लर को क्लिक किए, और यहाँ पे हमने उठा के रख दिया। कूल, अब उसके बाद क्या करना है, ब्लर का अमाउंट जैसे हम यहाँ पे सेट करेंगे 46, जैसे कि मैंने पहले किया था, तो अब क्योंकि हमारी जो एडजस्टमेंट लेयर है ये हमारी प्राइमरी जो क्लिप है उसके जस्ट ऊपर है, तो यानी जो ऊपर क्लिप होगा उसका सारा इफेक्ट आपकी नीचे वाली क्लिप में शो होगा। तो अब हमने क्लिप यहाँ पे अप्लाई की, अब यहाँ पे देखिए किसी भी क्लिप की तरफ आप मूव करेंगे, इसके अंदर जितने भी क्लिप्स आप डाल दें सब पे सेम इफेक्ट अप्लाई हुआ। ठीक है, यानी हमने एक लेयर ले ली, एक लेयर में हमने जो चीज़ अप्लाई की उसके नीचे जितनी भी लेयर यहाँ पे थी, चाहे वो जितनी भी लेयर हो, ठीक है, लेट सपोज दैट कि आपने यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स रखी और इस एडजस्टमेंट लेयर को आपको सबसे आपने सबसे ऊपर टॉप पे रख दिया, होगा क्या, इन सभी लेयर्स में सेम इफेक्ट अप्लाई होगा जो कि आपकी एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर अप्लाइड है। ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एडजस्टमेंट लेयर, यानी एडजस्टमेंट लेयर का यूज़ करके आप दोस्तों बहुत ही सारा अपना टाइम बचा सकते हो, यानी सारी क्लिप्स में सेम इफेक्ट एट अ सेम टाइम आप अप्लाई कर सकते हो विद इन वन क्लिक। ओके,
सो ये कुछ ऐसी कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। और एडजस्टमेंट लेयर का एक और काम आप कर सकते हो कि मान लीजिए ये तो हो गया कि आपने इफेक्ट अप्लाई किया, लेट सपोज कि अगर आपको कलर करेक्शन करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी डिलीट कर दिया है, तो अभी अगर आप एक पार्टिकुलर क्लिप के अंदर कलर अप्लाई करेंगे, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है, ये मैंने टेम्परेचर कुछ बढ़ा दिया, मैंने कुछ हाइलाइट्स यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज कर दिए। अब अगर मैं एडिटिंग वर्क स्पेस में आता हूँ और अगर मैं मुझे इसका कलर करेक्शन करना है तो सिंपली फिर वही पूरा प्रोसेस करूँगा, आऊँगा और यहाँ पेस्ट एट्रीब्यूट करूँगा, फिर से लुमेट्री कलर पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, अगेन वही ओल्ड फैशन चीज़, बिल्कुल नापसंद वाली चीज़। ओके, ये स्केल टू फ्रेम नहीं है, मैं इसको कर देता हूँ। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। अगेन ये कलराइज नहीं है, यानी प्रीवियस वाली जो क्लिप्स है हमारी उसके जैसी नहीं है, तो इसके लिए भी हम सेम एडजस्टमेंट लेयर का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अभी देखिए मैं यहाँ पे बैक आता हूँ और अभी एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करने के बाद हम इफेक्ट में जाते हैं और यहाँ पे कलर वाले पैनल में जाते हैं और यहाँ पे हम जो भी टिंट वगैरह टेम्परेचर वगैरह है इंक्रीज करके, हाईलाइट वगैरह इंक्रीज करके यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी आप नोटिस करेंगे, बैक टू एडिटिंग वर्क स्पेस, और अभी आप नोटिस करेंगे जब भी आप अपनी क्लिप प्ले करोगे तो देखिए ये वाली क्लिप जो है आपकी सेम टेम्परेचर सेम अमाउंट ऑफ कलर यहाँ पे ये फिल्ड है। ये बार बार स्केल टू फ्रेम साइज इसलिए हो जा रही है क्योंकि मैंने शायद इसका फ्रेम भी मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है, तो मैं इसको स्केल टू फ्रेम साइज करूँगा। और अभी आप देखिए, तो ये भी कर लेता हूँ। ओके, तो बिल्कुल सेम जो कलर्स हैं, जो सेम अमाउंट ऑफ जो मूडी लुक है वो यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट लेयर की भी हेल्प से आप दोस्तों सेम अमाउंट ऑफ कलर जो है वो सारी क्लिप में अप्लाई कर सकते हो। एक जैसा कलर आपको सारी क्लिप में अगर डालना हो तो ये काम आप कर सकते हो, ठीक है। यानी एडजस्टमेंट लेयर का बहुत सारा काम है, आप बहुत सारे ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे देख सकते हैं और इस पे तरह तरह के काम होते हैं, यानी इनका बहुत बड़ा मेजर रोल होता है वीडियो एडिटिंग के अंदर, ठीक है। चाहे वो कलर ग्रेडिंग हो, कलर करेक्शन हो, ठीक है, किसी भी इफेक्ट को अप्लाई करना हो, सब में लगभग एडजस्टमेंट लेयर का यूज होता है। यानी एक ब्लैंक लेयर होती है, आप उसमें पूरी आज़ादी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग, सब कुछ आप एडजस्टमेंट लेयर के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दोस्तों कि एडजस्टमेंट लेयर को कैसे आप स्मार्ट तरीके से यूज करें उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो आप मेरे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।